200 करोड़ का सब्सिडी देनी पड़े हम देंगे। अगर कोई दूसरी तरह की चीज बनाना चाहेगा, क्योंकि इधर बाजार वोडका का बढ़ गया है, हमारे शायद किसान भाई वोडका नहीं समझ पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को विधानसभा के पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले प्रदेश का सियासी तापमान काफी गर्म हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो चुके हैं और चुनाव प्रचार अभियान भी पूरे जोरों पर है और नेता जनता से लुभावने वादे भी कर रहे हैं। इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रविवार को आगरा में एक जनसभा को संबोधित किया और सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनता से वादा किया कि यदि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो वह आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे। उन्होंने आलू से शराब बनाने के लिए वोडका प्लांट लगवाने का भी वादा किया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मंच पर साथ खड़े पार्टी प्रत्याशी का परिचय देते हुए कहा कि यह एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हैं। 100 करोड़ का सब्सिडी देनी पड़े हम देंगे। अगर कोई दूसरी तरह की चीज बनाना चाहेगा, क्योंकि इधर बाजार वोडका का बढ़ गया है, हमारे शायद किसान भाई वोडका नहीं समझ पा रहे होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, या हम दूसरी तरीके से बोलें? वो शाम वाली दवा। इसलिए अगर उसका भी कारखाना लगाना पड़ा, हालांकि बीजेपी वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आलू और हमें किसान की चिंता है और बाजार में अगर कोई चीज उपलब्ध हो रही है तो उसके लिए समाजवादी लोग सरकार बनने पर चाहे हमें 100 करोड़ की 200 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़े, हम इस इलाके में कारखाना लगाने का काम करेंगे। और ये बात याद रखिए, समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। और जब जब समाजवादियों की सरकार आई है, हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किए हैं। और ये आगरा वाले जानते होंगे कि जो मेट्रो बन रही है वो समाजवादी पार्टी की देन है। ये जो एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, इन्हें विधायक बनाओ, आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो चाहे हमें वोडका का प्लांट लगवाना पड़े, वह हम इनसे लगवाने का काम करेंगे। अखिलेश ने प्रोफेसर प्रत्याशी को पूछा, बताओ आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती है कि नहीं? भाई इनसे पूछ ले, ये पढ़े लिखे हैं, हम तो अपनी पढ़ाई भूल गए। प्रत्याशी ने इशारा करते हुए अखिलेश की बात पर हामी भरी। आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को है। इससे पहले प्रदेश का सियासी तापमान तेज हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं।